अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं अहमदाबाद की फेमस घुंघरा सैंडविच। बहुत ही टेस्टी और मजे की तैयार होती है और इसे बनाने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 7 मिनट लगते हैं और ये बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम सैंडविच की चटनी तैयार करेंगे। चटनी तैयार करने के लिए 1/2 कप हरा धनिया, 1 टेबल स्पून नींबू का रस और 5 से 6 लहसुन की कलियां, 2 से 3 हरी मिर्च, इसके हमने बड़े बड़े पीस कर ली हैं, थोड़ा सा अदरक और 2 टेबल स्पून के करीब सूखा नारियल। अगर आपके पास में नारियल ना हो तो स्किप कर दें। और 1 टीस्पून नमक लेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून जीरा। और सैंडविच में डालने के लिए बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। तो एक जार में हम डालेंगे ये हरा धनिया, नारियल, लहसुन और अदरक को हम थोड़ा सा छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे ताकि ये अच्छे से पिस जाए। जीरा डाल देंगे, नींबू का रस, नमक। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से पीस कर इसकी हम चटनी बना लेंगे। तो ये चटनी को हमने पीस लिया है, इसे हम निकाल ले रहे हैं एक बाउल में। सैंडविच बनाने के लिए हम बटर लेंगे, तो ये हमने होममेड बटर लिया है, इसे हमने घर में ही बनाया था। और चटनी ये आपके सामने बनाई है। और बारीक कटी हुई प्याज और 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, चाट मसाला, सफ़ेद नमक, काली मिर्चों का पाउडर और चिली फ्लेक्स, ये सारी चीज़ें हम अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालेंगे। और ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे ब्रेड पर ये बटर। बटर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा लगा सकते हैं। बटर लगाने के बाद में इसके ऊपर लगाएंगे हम ये चटनी। अब इस पर डालेंगे थोड़े से शिमला मिर्च, प्याज डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हमने जो बटर लगाया है वो अनसॉल्टेड है, होममेड है, तो उसमें हमने नमक नहीं डाला था। तो इसमें चटर चीज़, मोज़रेला चीज़, इसमें सारी चीज़ें हैं, तो ये डाल देंगे। चीज़ आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपके पास में चीज़ का स्लाइस है तो वो आप रख दें इसके ऊपर। तो यहाँ पर हम चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा डाल रहे हैं क्योंकि मेरे बच्चों को चीज़ थोड़ी ज़्यादा ही पसंद है। थोड़ी सी डालेंगे चिली फ्लेक्स। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स को स्किप कर सकते हैं। चलिए तो अब हम एक ब्रेड का दूसरा स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे हरी चटनी और इसके ऊपर रख देंगे ये दूसरा स्लाइस। और ब्रेड को हमने हल्के हाथों से प्रेस कर दिया है। तो ये सैंडविच बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसी तरह आप इसे काट कर सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसे तवे पर थोड़ा सा सेंक। तो हम इसे थोड़ा सा तवे पर बटर डालकर सेंक लेंगे। यहाँ हमने एक ग्रिल वाला तवा ले लिया है। अब इस पर हम डालेंगे ये बटर। तो अगर आपके पास में इस तरह का तवा ना हो तो फिर आप सिंपल तवा भी ले सकते हैं। और बटर को हम इस तरह फैला देंगे और इस तरह रखेंगे ये सैंडविच। और सैंडविच की ऊपर साइड भी हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे। सैंडविच जब एक साइड से अच्छे से सिक जाए तब इसे हम पलट देंगे। सैंडविच जब दोनों साइड से अच्छी तरह सिक जाए, ये देखिए सैंडविच दोनों साइड से अच्छी तरह सिक गया है, इस पर अच्छा सा कलर आ गया है और ये क्रिस्पी हो गया है, तब इसे हम निकाल लेंगे। और बाकी के सैंडविच भी हम इसी तरह बना लेंगे। चलिए तो सैंडविच को अब हम काट लेते हैं। तो ये देखिए सैंडविच अंदर से भी कितना यमी लग रहा है। ये थोड़ा सा ठंडा हो गया तो इसकी चीज़ खिस नहीं रही है। चलिए तो अब इसे हम रखेंगे एक प्लेट में। तो ये देखिए सैंडविच बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बना है, आप अंदर से भी देख सकते हैं। तो आप इसे ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगा।